हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। आज है 8 सितंबर और संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल। और आज आप सब क्या क्या करने वाले हो, आपका वीकेंड कैसा गया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और बताना कि आप क्या क्या कर रहे हो। तो हम तो कल बहुत ही घूम आए थे, घर से बिना प्लानिंग के निकले थे, पर फिर भी बहुत पूरा दिन ही घूम ही लिया था, मूवी भी देखा है थे। तो कल का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, बाहर ही बाहर थे, तो आज पूरा दिन हम घर पे ही स्पेंड करेंगे। और आज हमारी जो सोसाइटी के गणपति जी है वो जा रहे हैं, आज उनका विसर्जन है, तो शाम को हम वहाँ भी जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि खुशहाल ना एक्चुअली क्राउड देख के वहाँ पर बहुत ही क्रैंकी हो जाता है, तो ट्राई तो करेंगे, देखेंगे वो वहाँ पर रह पाता है कि नहीं। और अभी बजे हैं सुबह के 11, आज संडे है, तो मेरे हाउस हेल्पर नहीं आई है, वो संडे को उनका ऑफ होता है, तो मैं अभी जस्ट बात लेके आई हूँ, तो उससे पहले ही मैंने घर के क्लीनिंग वगैरह कर ली है। खुशहाल और खुशहाल के पापा अंदर के रूम में हैं और उनको भी भूख लगी है जोरों की, तो चलिए आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाते हैं, आलू के पराठे, और वो मैं सारा कुछ आपके सबके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं आलू के पराठे, मैं आगे हूँ किचन में, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आलू पराठे के लिए मैंने ज्यादातर प्रिपरेशन तो कर ली है, आलू बॉईल कर लिए हैं, चॉपर में ऑनियन चॉप कर लिए हैं, लहसुन और अदरक का एक स्पून जितना मैंने पेस्ट लिया है, पेस्ट मतलब मैंने सिर्फ कूट लिया है उसको, कोई प्यूरी टाइप नहीं बनाया है उसको, क्योंकि आलू में पानी हो जाएगा वरना। और हरा धनिया काट रखा है, आटा भी सेट हो गया है मेरा। तो चलिए अब स्टफिंग के लिए बनाते हैं आलू की। तो सबसे पहले क्रशर की मदद से मैं इसको क्रश कर दूंगी, इसको ना मैं वो वाले बर्तन में ले लेती हूँ। इसे बाहर निकलने के चांसेस रहेंगे इस मैरिनेट में, तो सबसे पहले एक एक करके इसको मैं क्रशर की मदद से कर लूंगी। थोड़ा सा हार्ड रह गया है ये वाला आलू, तो जितना हो सके मैंने कर लिया है। एक आलू जो कच्चा सा था वो मैंने निकाल लिया है अलग से, और बाकी आलू को मैंने क्रश कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, उसके बाद आमचूर। आमचूर बहुत ही जरूरी है आलू के पराठे के लिए, तो वो चाट मसाला, लाल मिर्च जितनी आपको तीखी पसंद हो, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर मैं खुशहाल की वजह से ज्यादा हरी मिर्च का यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये कितनी तीखी होगी, हरी मिर्च का कोई जजमेंट नहीं होता। तो ये गरम मसाला है, लाल मिर्च डाल दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का एक पेस्ट भी नहीं बोल सकते, सिर्फ इसको कूट लिया है हल्का दरदरा सा, क्योंकि ज्यादा पेस्ट पानी वाली ना आलू में फिर पानी छोड़ेगी और उसकी वजह से फिर आपके जो आलू परांठे हैं वो फटने लगेंगे। कुछ आवाज आ रही है नीचे से, तो उसके लिए सॉरी, इग्नोर करना। और अगर आपको जिस टाइम आलू परांठे बनाने हैं उसी टाइम पे ये आप मावा तैयार कीजिए आलूओं का, क्योंकि अगर आलू में नमक वगैरह होगा तो फिर पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ज्यादा देर तक इसको रख नहीं सकते। बनाने वाले तो फिर भी बना लेते हैं, पर स्पेशली मेरे से तो नहीं बनते, मेरे फटने लगते हैं, पानी छूट जाता है। तो
तो लहसुन अदरक की पेस्ट पेस्ट नहीं कुटा हुआ, और ये है प्याज। अगर आप विंटर में बना रहे हो तो अच्छा सा हरा प्याज और हरा लहसुन आता है उस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा, तो वो डालोगे तो उससे तो आलू परांठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो विंटर में हो सके तो आप वो ट्राई करना। उसके बाद डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। हरा धनिया भी जितना डालोगे उतना टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी, मैं अपने हाथों से ही मिक्स करूंगी। तो बस ये बन जाएगा और इसके बाद हम बनाएंगे आलू परांठे। फिलिंग कर करके गरम गरम खाते जाओ, बनाते जाओ। जब यहाँ होती हूँ तब मैं खुद बना के खाती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं होता, पर जब भी मैं ससुराल जाती हूँ करनाल, तो वहाँ मुझे लगता है रोज मेरे मदर इन लॉ ही बना के देते हैं नाश्ता, तो मॉर्निंग का। तो हम उन्हीं के हाथ के परांठे जो भी होते हैं, मूली वाले, गोभी वाले, आलू के, और संडे को मोस्टली हमारे घर आलू के परांठे ही नाश्ते में होते हैं, तो नाश्ता उसी से किया जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसके बनाते हैं पराठे। तो ये देखिए, ये मैंने घर पे दही जमाई है, बहुत अच्छे से जम जाती है घर पे। तो हो सके तो घर पे ही दही जमाने का ट्राई जरूर करना, क्योंकि बाहर की दही से अच्छा घर पे दही जो जमती है वो ज्यादा टेस्ट में अच्छी होती है, और बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छी सी जम जाती है। ये देखो, तो मैं दही डालती हूँ, फिर आलू परांठे बना के फिर सर्व करते हैं। Thank you.
आ गई हूँ चाय बनाने। नाश्ता हमारा हो गया है, चाय चढ़ाई हुई है और अभी अभी मेरे से एक गलती हो गई मुझसे। देखिए मैं दिखाती हूँ, मेरा ट्राइपॉड टूट गया। एक्चुअली मुझे लगता है जहां तक ये उम्मीद है ऐसे फायर स्टिक से ये यहाँ से जुड़ जाएगा, अभी तो ऐसे है। तो ट्राई करती हूँ फायर स्टिक से जोड़ने के लिए, पर अगर नहीं हुआ तो नुकसान हो गया है सुबह सुबह क्योंकि इसके बगैर कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं होता। हाथ से मैं फोन पकड़ के शूट तो कर पाती हूँ, पर अगर कुछ रेसिपी या फिर कुछ भी शेयर करना होता है तो वो नहीं पॉसिबल होता। तो अभी मूड बहुत खराब हो गया है मेरा इसको देख देख के। एक्चुअली मैं आ रही थी प्लेट रखने मेरे नाश्ते की, मैंने नाश्ते कर लिया उसके बाद, तो यहीं पड़ा था ये और मेरा पैर लगने से गिर गया है। मेरी ही गलती थी, मुझे बहुत गंदा सा फील हो रहा है, ये सुबह सुबह ये हो गया है। दूध डाल दूं तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, हो तो गया है। ट्राई करूंगी फैब्रिक से जोड़ने के लिए, पर टूटा ऐसा ही उससे लग तो रहा है कि हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ चाय लेके। तो मैं अब चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करके अब आई हूँ किचन में। मैंने बनाने थे आज वो चूरमे के लड्डू, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन कर ली है। पर सॉरी मैं आज फुल आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप सबको मैंने दिखाया है मेरा ट्राइपॉड टूट गया है और फेविक मैं अभी शाम को ही चिपकाऊंगी लाके, अभी है नहीं। तो मैं अभी ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे करने वाली हूँ मैं, क्योंकि फुल तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो ये मैंने आटे के बनाए हैं, आटा और रिफाइंड डाला है और पानी से गूंद लिया है और इसको मैंने ऐसे शेप में कर लिया है और इसको अब मैं रिफाइंड में तलूंगी। इसके पहले मैं ये काजू बादाम थोड़े से लिए हैं वो भी तल लूंगी पहले रिफाइंड में, उसके बाद ये आटे के पेड़े तलूंगी। और इसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा गुड़, काट लिया है मैंने क्योंकि मेरे पास इस शेप में आता है गुड़, लाल गुड़ लिया है जो सॉफ्ट वाला होता है, जो मरूंडे वगैरह जो बनते हैं चिक्की में यूज होता है वो वाला गुड़ है ये। तो पहले इसको मैं, आप देसी घी में भी तल सकते हो पर मैं रिफाइंड में तल रही हूँ और इसके अंदर भी मैंने काफी रिफाइंड दिया है जब आटा गूंद रही थी तब। और इसको मैं तल के थोड़े से ठंडे करके इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लूंगी, पूरे बारीक बारीक कर लूंगी और फिर घी ऐसे ही जैसे रिफाइंड दिया हुआ है वैसे घी गर्म करके उसके अंदर गुड़ को पिघा लूंगी। ज्यादा पक्का नहीं करूंगी, बस पिघा लूंगी जब तक मेल्ट ना हो। और जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर गैस ऑफ करके कढ़ाई को नीचे उतार के जो काजू बादाम का मैं देखती हूँ अगर इसको दरदरा पीसूंगी या फिर एक है मेरे पास क्रशर सा उससे पतली पतली बारीक बारीक स्लाइस हो जाती है तो वैसे कर लूंगी। और जो चूरा होता है ये वाला, इसको जो मिक्सचर में ठंडा होने के बाद तलने के बाद ठंडा होने के बाद जो चूरा करूंगी उसको मैं कढ़ाई में डालूंगी जो गुड़ और घी मेल्ट किया हुआ हो उसमें, और फिर उसके लड्डू बना लूंगी। बहुत ही इजी है, ऐसे बोलने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है पर फटाफट से हो जाएगा। तो अभी मैं सॉरी मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगी पर मैंने अभी आपको बोल के तो दिखा दिया है। तो चलिए लड्डू बनते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेंगे। तो देखिए ये मैं तल रही हूँ रिफाइंड में इसको, इसको थोड़ा सा रेड हो जाए तब तक धीमी गैस पे तलना है, बहुत ज्यादा भी नहीं मीडियम धीमी भी नहीं। तो अगर बहुत धीमी होगी तो ये तेल तेल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बाहर से तो लाल जल्दी हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे, तो हमें अंदर से भी अच्छे से इसको पकाना है। तो मीडियम फ्लेम में इसको तलना है। तो ये इस तरीके से रेड कलर के हो चुके हैं और इसको मैंने निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सारे ऐसे एक एक करके तल लूंगी सारे। तो ठंडा होने के बाद थोड़े से छोटे छोटे इतने से टुकड़े करके, एक के तीन चार टुकड़े करके
फिर ठंडे होने के बाद मिक्सचर में ग्राइंड कर लूंगी इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसको मिक्सी में डाल के फिर ये ग्राइंड कर लिया है। तो इतना बारीक ग्राइंड किया हुआ है, तो ऐसे ही मैं ये सारे कर लूंगी। उसके बाद फिर घी और गुड़ को मैं मेल्ट करूंगी, घी में गुड़ को। तो काजू और बादाम मैंने इसी घी में तल लिए हैं और घी गर्म हो चुका है, तो मैं ये गुड़ भी डाल दूंगी इसके अंदर। बस इसको अब थोड़ा सा मेल्ट ही करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा बंद करके, फिर ये जो चूरा है वो मिक्स कर दूंगी मैं इसके साथ। तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि फिर ये हार्ड हो जाएगा तो फिर नहीं मजे आएंगे इसको करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू बन गए हैं चूरमे के, और ये गुड़ मेरा थोड़ा सा वो लाल सा था, इसी वजह से थोड़ा कलर चेंज लग रहा है, पर वैसे हल्के और हल्के हो सकते थे। तो बन गए लड्डू। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मैं भी मेरा वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। और कपड़े अभी मैं बाहर से लेके आई हूँ, उसको भी तैयार लगानी है। तो जो नए व्यूअर्स है, अगर उसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है उसको क्लिक करना, तो मेरे वीडियो की जब भी वीडियो रिलीज होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना और सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए कल मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।